वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल दिवाशेष में। जिस तरह से आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जा रही है, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे ही आप शावर लेते हो तो बाय द टाइम यू कंप्लीट योर शावर और आप टॉवल से पहुंच के बाहर निकलते हो, आप ऑलरेडी पसीने पसीने हो जाते हो। एटलीस्ट मैं तो यहाँ गुजरात में ये फील कर रहा हूँ। तो शावर लेने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि अब शेव भी की जाए, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ट्रेंड को रिवर्स किया है। अब मैं क्या करता हूँ, या तो अर्ली मॉर्निंग शावर ले लेता हूँ, शेव बाद में करता हूँ कुछ टाइम के बाद, या पहले शेव कर लेता हूँ। तो आज जो मामला थोड़ा ठंडा रखते हुए, आज मैंने अपने वीडियो का टाइटल ही दिया है समर कूल प्रोडक्ट्स। आज मैं कुछ आपको अमेरिकन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। नाउ आज जो मेरा फोकस है वो एक शेविंग सोप को इंट्रोड्यूस भी कराना है और उसका रिव्यू भी देना है। तो एज यू कैन सी, इस शेविंग सोप का नाम है टैकोनिक शेविंग सोप और ये यूकलिप्टस मिंट शेविंग सोप है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, ओलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन कुछ हद तक। इनफैक्ट आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, अगर क्लियर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अलग अलग तरह के तेल जो ऑयल्स का भरपूर भंडार है इस सोप में। और इसमें जो स्मेल है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत ही कूल है। प्योर यूकलिप्टस की, नीलगिरी के तेल की स्मेल आएगी आपको विद अ हिंट ऑफ मिंट। और आप देख सकते हैं बहुत ही डेंस, अगर आप इसको हाथ में रखेंगे तो आप इसका कंसिस्टेंसी इसको चेक करेंगे तो ये बहुत डेंस, एक बहुत ही घना शेविंग सोप है। दो महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूं और मैंने कम से कम 17-18 बार इससे शेव की होगी और आप देख सकते हैं अभी भी ये बिल्कुल अपनी रिम में है, ये बिल्कुल भी ज्यादा यूज नहीं हुआ है। थोड़ा सा लगाते ही बहुत बढ़िया शेव करता है, झाग देता है और बहुत ही कूलिंग, रिफ्रेशिंग, इनफैक्ट समर के लिए एक आइडियल सोप है ये। और ये बना है न्यूयॉर्क की हडसन वैली में। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने इसको परचेज किया इसमें मैंने एक इंग्रेडिएंट देखा, बेंटोनाइट क्ले। तो मुझे पहले लगा कि शायद ये हमारी ट्रेडिशनल मुल्तानी मिट्टी है, मगर जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो बेंटोनाइट क्ले जो है ये अमेरिका में एक स्टेट है वायोमिंग, और वहां पे फोर्ट बेंटन करके एक जगह है जहां पे जो वोल्केनिक ऐश से इसको लिया जाता है, इसको प्रोक्योर किया जाता है और इसका इस्तेमाल अक्सर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। जो इसका यूज होता है, इसमें क्या यूज है ये जानना जरूरी है इसका, कि ये एक तरह से डिटॉक्सिफाई करता है आपकी स्किन को और दूसरा जो है स्किन में एक स्मूथनेस लेके आता है, मॉइस्चराइज करता है ये, और जो डस्ट और ग्राइंड को ये लोग बताते हैं कि ये लिफ्ट कर देता है। तो और रेजर ग्लाइड का जो एक्शन है, रेजर ग्लाइड को ये बढ़ाता है, बहुत स्मूथ शेव इससे मिलती है। तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का एक ये शेविंग सोप है। तो आज मेरा फोकस केवल इसी के ऊपर है, शेव के ऊपर, कि इस सोप के ऊपर कि ये किस तरह का लादा करता है और किस तरह से रेजर ग्लाइड को एनहांस करता है यह। तो टैकोनिक शेव, टैकोनिक शेविंग सोप, ये एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। और इसी के साथ जो मैं पोस्ट शेव में, आज मैं अपने को ठंडा रखने के लिए, चेहरे को ठंडा रखने के लिए ये कैनियन आफ्टर शेव सूदर यूज करूंगा। बात एंड बॉडीवर्क्स का बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, बट दुख की बात यह है कि अब इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। 1990s में मैंने सुना है कि इसको 1990 के लास्ट में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो ये शायद प्रोडक्ट हम ना मिले या ईबे या वगैरह कुछ जो ई पोर्टल्स हैं आपकी वहां शायद आपको मिल जाइए, अदरवाइज अब इनका मिलना मुश्किल है। तो मैं बहुत कंजूसी से यूज करता हूँ, बहुत पुराने टाइम से मेरे पास है, ये भी मेरे को एक मेरे रिलेटिव ने गिफ्ट किया था। तो फैंटास्टिक, वेरी कूल मेंथल लाइक स्मेल, इसकी फ्रेग्रेंस जो है कूल मेंथल है। तो गर्मी का टाइम है तो थोड़ी ठंडक की जरूरत है, इसलिए आज मैं इस तरह के प्रोडक्ट लेके आया हूँ। आज जो शेविंग ब्रश हम यूज करेंगे वो एज यूजुअल ट्राइगोन का शेविंग ब्रश, और जो हमारा शेविंग रेजर है वो पिंक फोल जो है क्लोज कॉम्ब रेजर, और उसी के साथ उसमें विल्किंसन सूट के ब्लेड। तो मैंने अपने चेहरे को ऑलरेडी जो है स्क्रब कर लिया है, थोड़ा सा इसको वॉश कर लेता हूँ।
as usual, squeezing out excess of water. Lajawab smell. 20-25 सेकेंड मैक्सिमम 30 सेकेंड तक इस तरह के स्वर मोशन में आप अपने ब्रश को इस पक के ऊपर, बहुत ही डेंस पक है ये, मुझे लगता है कि आराम से 2 साल तो चलेगा ये, आप घुमाइए और मेरा बाथरूम अब महकने लगा है। इस तरह से मैंने इस सोप को कलेक्ट कर लिया अपने ब्रश पे। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द लादर। मिंट की हल्की हल्की सी स्मेल आ रही है पुदीने की, ऐसा मेरे को अभी लग रहा है कि गर्मी का टाइम है तो आम का जो पन्ना अगर आपने पिया होगा उसमें आप हल्का सा पुदीना डाल देते हैं तो जब ताजगी और एक कूलनेस आती है, बिल्कुल मेरे को स्मेल वैसी आ रही है इसकी, हल्का पुदीना और यूकलिप्टस, रिफ्रेशिंगली कूल, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का सोप है ये और आई एम रियली एंजॉयिंग मेकिंग लादर आउट ऑफ इट। आप देख सकते हैं सुपर स्लिक लादर, आई थिंक आई एम रेडी फॉर नाउ। साइडबर्न्स थोड़ा सा नेकलाइन को क्लियर कर लेते हैं। सच में बहुत ही ताजगी का एहसास हो रहा है, ठंडक हल्का हल्का कूल कूल फील हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज द थर्ड यूज ऑफ दिस ब्लेड। थर्ड यूज के बाद नॉर्मली मैं इस ब्लेड को डिस्कार्ड कर देता हूं। फर्स्ट पास विद द ग्रेड, सच बताऊं मेरे को पता भी नहीं लग रहा है कि मैं रेजर को चला रहा हूं, इतना स्मूथ मेरा रेजर जैसे फिसल रहा है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कई लोग कहते हैं कि सर लादर तो शेविंग क्रीम में भी होता है, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा हो जाता है वॉल्यूमिनस, तो फिर शेविंग सोप क्यों यूज किया जाए, इस पे ऐसे पैसे क्यों खर्च किए जाए। तो देखिए कोई जरूरी होता कि बहुत भरपूर आपने झाग बहुत भरपूर लादर कर दिया है तो वो आपको वो स्लिकनेस देगा। शेविंग सोप जो होते हैं फोर्टिफाइड होते हैं अलग अलग तरह के ऑयल से, कंपनियां बहुत रिसर्च करती हैं और ये जो ऑयल होते हैं आपको एक
रेजर को ग्लाइड करने में और पोस्ट शेव में एक अलग तरह की फीलिंग देखने को मिल जाती है. दैट्स व्हाई दे चार्ज अ लिटिल बिट मोर, इनफैक्ट लॉट मोर कंपेयर टू आवर सो कॉल्ड शेविंग क्रीम्स. मेरे को कोई भी एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है. टेकोनिक यूकलिप्टस एंड मिंट सोप को मैं पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और हर बार मेरे को एक अलग तरह का एहसास होता है इससे शेव करके. बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है. इट रियली हेल्प्स यू मेकिंग योर शेविंग और दैट डे शेव मेमोरेबल. No doubt, it's a premium product and they charge you more. Second pass across this grain. Wonderful, amazing. हाँ, एक चीज है जिस तरह से इसमें उन्होंने कहा है कि यूकलिप्टस ऑयल यूज किया है, उतना कोल्ड इफेक्ट नहीं देता ये. अगर हम प्रोरेसो ग्रीन करके एक शेविंग सोप आता है इटालियन, उसमें भी यूकलिप्टस, तो उसमें थोड़ी ठंडक का एहसास ज्यादा होता है, मेंथल एक ऐसा होता है. बट यस, आई कैन फील दैट लाइट कूलनेस. सच में बहुत अच्छी फील आती है जब आप बढ़िया प्रोडक्ट यूज करते हो. मैं वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा एज यूजुअल, तो आई एम गोइंग टू यूज. So as you can see, my final pass, okay. रेजर बिल्कुल फिसल रहा है मक्खन की तरह.
बेहतरीन, सो इंप्रेस्ड विद दिस शेविंग सोप। और कंपनी का कहना है कि ये उन्होंने हैंडक्राफ्ट किया है और इस प्रोडक्ट को वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनाते, लिमिटेड अमाउंट में, और लकीली अब इंडिया में मिलता है। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। एफर्टलेस जिसे कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं शायद ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूं, वो बिल्कुल दिल से बता रहा हूं। वाह, बचपन में आपने पतंग उड़ाई होगी, आज भी उड़ाते होंगे आप। तो मुझे याद है नॉर्थ इंडिया में जब पतंग को आप काटते हैं, एक एफर्टलेस आप हल्के से ढील दे रहे हो, पतंग कट जाती है तो जोर से सब चिल्लाते हैं काटे, करेक्ट। और अपने गुजरात में कायपो छे, तो बिल्कुल वो कायपो छे मतलब जस्ट रेजर का जो ग्लाइड एक्शन है वो बिल्कुल एफर्टलेस रहा। इनफैक्ट आप सब मेरे को जो रेजर का फीडबैक भी कम सुनाई दे रहा था, शायद ये इस शेविंग सोप का कमाल है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। सच बताऊं तो ये तेल से, अलग अलग तेल से इतना भरपूर है कि मेरे को इस समय लग ही नहीं रहा है कि मेरे को कोई आफ्टर शेव बाम या कोई और चीज लगानी चाहिए। आई एम फीलिंग दैट आई कैन गो विद इट नाउ, बट क्योंकि आज जो है एक कूलनेस के ऊपर मेरा फोकस था, तो वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड वेरी रेयर, दिस वन ऑफ द रेयरेस्ट शेविंग आइटम आई हैव राइट नाउ, तो कैनियन आफ्टर शेव सूदर। इसमें एलेंटॉइल्स का यूज किया गया है। एलेंटॉइल बेसिकली जो होता है वो आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज रखता है। कंजूसी से लूंगा थोड़ा सा, फैंटास्टिक, अमेजिंग एक्सपीरियंस। इस तरह की शेव करके आप जो कुछ भी बाथरूम से निकल के करोगे वो अच्छा ही करने वाले हो। यू आर गोइंग टू गिव फैंटास्टिक हग टू योर वाइफ, यू आर गोइंग टू गिव व्हाटएवर योर चिल्ड्रन वांट्स। आप इतने अच्छे मूड में रहते हो कि आप एक बेहतरीन आदमी बनने की कोशिश करते हो, ऐसा मेरे को लगता है। मैं बड़ा भाग विहल हो जाता हूँ शेव करके, इसलिए बहुत कुछ चीजें बोल देता हूँ, तो अगर आपको लगे कि यार ये ज्यादा बकवास करता है तो डोंट वरी। एक चीज और, कुछ लोगों ने मेरे को ऐसा बोला कि आपको कंपनियां कितना पैसा देती हैं ये सब बोलने के लिए, तो भैया मेरे को कोई भी पैसा खाने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये मैं वेरी क्लियर कर दूं, ये सब कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं खुद प्रोडक्ट्स खरीदता हूं या कुछ जो गिफ्ट्स में मिले हैं वो मेरे को बताता हूं। ये जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने शेयर किया है। मेरे को अगर खाने का शौक है तो मेरी बीवी के हाथ के बने हुए आलू के पराठे या मेरी सासू माँ की बनी हुई भाकरी, गुजराती रोटी जिसे कहते हैं, मक्खन के साथ, वो बहुत पसंद है। वैसे टैगलाइन भी बड़ी बैड जोक वाली है, मगर ये मैंने उठाई है। एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है आशीष मसीह, वो अक्सर अपनी कारों के रिव्यू में इस टैगलाइन को बोलते हैं कि यार मेरे को कोई खाने का शौक नहीं है। तो सेम इज द केस विद मी ऑल्सो, ये कोई भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मेरे को नहीं मिली है, ये अपना एफर्ट है, करेक्ट। तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस, फंटास्टिक शे, आई एम रियली फीलिंग कूल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। गिव योर बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ, try to be the most happiest person on this planet irrespective of your circumstances, yahi main kahunga aaj ke liye, aur fir milte hain hum apna next video mein,
कुछ नई चीजें मैं लेके आऊंगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, बिल्कुल पसंद नहीं आया तो दो डिसलाइक बताइए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लिव विद पैशन।